दिस इज डॉक्टर नीतू माथुर, बीएससी पार्ट वन का पेपर थ्री हम देख रहे हैं, थर्ड पेपर। तो हमने थर्ड पेपर में देखा कि किस तरह से युग्मकों का निर्माण होता है, ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, निषेचन के बाद में उनमें विदलन की प्रक्रिया होती है, ब्लास्टूला बनता है, कितने प्रकार का ब्लास्टूला होता है, कितने तरीके से ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया होती है, और फिर हमने उसके बाद में देखा फेट मैप्स क्या होते हैं, किस तरह से कोशिकाओं का भविष्य जो है वो निर्धारित होता है, और हम उनका चित्रण कर सकते हैं अलग अलग विधियों के द्वारा कि कौन सी कोशिका का निर्माण किस अंग का निर्माण कौन सी कोशिका के द्वारा होना है। तो इसी के सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं कि फेट मैप्स जब पता चल जाते हैं कि किस कोशिका जो है वो किस तरफ चल रही है, किस तरह से उनका एक मानचित्र सा बन जाता है कि कौन सी कोशिका को कहाँ विन्यासित होना है, किस अंग का निर्माण करना है। तो कोशिकाओं के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, गतियां होती हैं, जहां से वो गति कर और निश्चित स्थान तक पहुंचती हैं और अपना भविष्य का निर्धारण करती हैं। उन गतियों को हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। तो आज का टॉपिक है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। जो ब्लास्टोडर्म होता है, ब्लास्टुला की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद में, वो एक सिंपल लेयर का मोनोलेयर है, एक स्तर होता है उसके अंदर। तो हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ऐसा समझा सकते हैं कि जो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक सिंपल मोनोलेयर है, उसको हम एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बदलना, बॉडी के पैटर्न को बदलना ही मॉर्फोजेनेटिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। और सैंडर्स ने 1976 और 83 में ये बताया था। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ब्लास्टोडर्म का टू डायमेंशनल से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, उसी को हम मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट या तो कुछ रीजन की इनफोल्डिंग से हो सकता है, अंदर मुड़ने से हो सकता है मोनोलेयर की, उसके ओरिजिनल अरेंजमेंट को बिना बदले ना, जैसे कि एपिडर्मल एनालॉग में होता है, या इंडिविजुअल कोशिकाओं के आपस में विग्रह से, सेग्रीगेशन से होता है एक लेयर के। तो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट से, जैसे कि द सेग्रीगेशन ऑफ न्यूरोब्लास्ट एंड द इन्वेजिनेशन ऑफ वेंट्रल फरो ऑफ मिडगट, ठीक है। तो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं, जैसे इन्वेजिनेशन, अंतर्वलन, इन्वॉल्यूशन, इनग्रेशन, डीलेमिनेशन, ठीक है। तो ये ड्रोसोफिला के एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने देखा। तो पहला है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं इनवेजिनेशन या अंतर्वलन। उसके अंदर जो एपिथेलियल शीट होती है, ये जो एक एपिथेलियल शीट होती है वो एक अंदर की तरफ मुड़ जाती है, अंतर्वलन उसके अंदर हो जाता है, इन पॉकेटिंग बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम बॉल को मान लीजिए, किसी एक बॉल को बीच में से अगर अंदर धसाते हैं तो वो इस तरह से अंदर की तरफ धस जाती है, पूरी की पूरी लेयर ही। और इसका जो एपिकल साइड ऊपर वाला जो भाग है वो ल्यूमन का निर्माण करता है, अगर एपिकल साइड ऑफ एपिथेलियम ल्यूमन का निर्माण कर रहा है, तो जो मूवमेंट जो है वो इन्वेजिनेशन कहलाता है। तो और अगर मान लीजिए ये जो ल्यूमन है वो बेसल सरफेस से बनती, यानी कि ये उल्टा होता है बाहर की तरफ, अगर मान लो ये ऐसे होता तो वो इवेजिनेशन कहलाती। तो इन्वेजिनेशन मतलब अंदर की तरफ मुड़ना, और अगर ये उल्टा होता बाहर की तरफ मुड़ना तो इवेजिनेशन कहलाती है। तो एक प्रक्रिया होती है इन्वेजिनेशन की। दूसरा है इनग्रेशन। इनग्रेशन में क्या होता है कि एक तरह से ये जो सेल्स होती हैं, इसके अंदर की जो सिंगल लेयर की जो शीट थी, एपिथेलियल शीट थी, तो उनमें से कुछ जो होती हैं वो वेल बिहेव्ड एपिथेलियल सेल्स बन जाती हैं और वो नीचे निकल कर आ जाती हैं, एपिकल सेल में से निकल के नीचे आ जाती हैं। तो इनको सेलुलर आर्किटेक्चर इनका अलग होता है, इनकी बनावट अलग होती है, और इनके अंदर मूवमेंट की क्षमता होती है, मोटेलिटी की क्षमता होती है, और दूसरी कोशिकाओं के साथ में इनकी जो एडहेसिव रिलेशनशिप है, चिपकने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें चेंज आता है। तो वो मेसन का है, वो एपिथेलियम से निकल कर अलग अपनी एक लेयर बना लेती है मेसन का, इसको बोलते हैं इनग्रेशन।
तीसरा है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारे टिश्यू अंदर की तरफ, अंतर्वल मंडल हम देखा खाली एक शीट अंदर हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू की जो शीट्स होती है वो अंदर होती है, बल्क मूवमेंट होता है टिश्यू का, है ना। तो इस तरह से बेल्ट, पूरी की पूरी बेल्ट ही बन जाती है, और एजेस से भी मटेरियल अंदर आ जाता है, किनारों से भी मटेरियल इसके अंदर आ रहा है, खाली एपिकल पार्ट या शीर्ष भाग ही अंदर नहीं मुड़ रहा है, पूरा का पूरा ही ये अंदर की तरफ इनवर्ड रोलिंग हो जाती है, जो ब्लू में पूरी इनवर्ड रोलिंग हो रही है, और फिर अंदर एक अलग ही लेयर बना लेती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। एपिबोली क्या होता है, शीट ऑफ जो सेल्स होती हैं उनमें वो पतली हो जाती हैं, ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है दोनों डायरेक्शन में, तो वो मोनो लेयर ऑफ की जो शीट होती है वो शेप में चेंज हो सकती है, और सेवरल सेल लेयर थिन सेल लेयर हो सकती है, थिन हो जाती है पोजीशन सेल से, और यहाँ पर एपिबोली जो है वो इंटरकैलेशन हो जाता है ना, बीच बीच में इनमें चेंजेस आ जाते हैं। इस तरह इंटरकैलेशन क्या होता है, दो और तीन रो ऑफ सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के बीच में ही गमन कर रही हैं, ये सेल इसमें, ये सेल इसमें, इस तरह से टू और मोर रोज ऑफ सेल्स मूव बिटवीन वन अनदर, तो ये अरे ऑफ सेल्स बनाती हैं, एक रे बना लेती हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स, देखिए अलग अलग विन्यासित हो गई हैं इसके अंदर, पर पतली होती हैं, तो इसमें टिश्यू की शेप में भी चेंज हो जाता है रीअरेंजमेंट होने के कारण, तो वो टिश्यू की शीट जो होती है, जो इतनी सी जो शीट थी वो इतनी एक्सपेंड हो गई, बढ़ जाती है ये, ठीक है। इंटरकैलेशन का ही एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको हम कन्वर्जन एक्सटेंशन बोलते हैं। कन्वर्जन एक्सटेंशन में दो और ज़्यादा जो सेल्स की रोज होती हैं वो इंटरकैलेट करती हैं, एक दो ही नहीं है, दो से ज़्यादा भी आपस में मिक्सिंग और इंटरकैलेट कर लेती हैं, डायरेक्शनल होता है बट वो एक ही डायरेक्शन में करती हैं, एंड एक्सटेंशन के परपेंडिकुलर सीधी सीधी चलती हैं, जैसे एक्सटेंशन है उसके परपेंडिकुलर यूँ बढ़ती जाती हैं, तो इंटरकैलेशन इवेंट्स उसमें देखते हैं। इस तरह से कोशिकाएं जो है वो मूव करती रहती हैं, और इसको बाद में होता है गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया। गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो गैस्ट्रुलर लार्वा में बदल जाता है, इससे जर्म लेयर्स बन जाती हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के द्वारा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, मायोशर्म, मदशर्म और अंतशर्म बन जाती है। एंडोडर्म बनती है सबसे पहले, इस तरह से देखिए किस तरह से एंडोडर्म बनती है, जो ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल है वो बढ़ता है, और जो सेल्स होती हैं वो लोअर सरफेस बना लेती हैं, इस तरह से लोअर सरफेस बना लेती हैं एम्ब्रियोनिक नॉक में, और डिटैच हो जाती हैं ऊपर से अपनी कोशिकाओं से, डिटैच होने से एम्ब्रियोनल नॉक बनाते हैं, नॉक बन जाती है, ठीक है, और एंडोडर्म बनाती है ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल के अंदर। एंडोडर्म की जो कोशिकाएँ होती हैं उनका फेट प्री डिटरमाइंड है, हार्केंडर उनका निर्माण होता है, फेरिंग से कोलोन का, मध्य कान का, टंग का, यूरिनरी ब्लैडर का, ये सब एंडोडर्मल कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है, ब्लास्टोडिस्क जो होती है वो कंटिन्यू टू ग्रो करती रहती है मोर और मोर यूट्राइन के एब्जॉर्प्शन से, और एक स्प्रेडिंग इस तरह से हम देखते हैं। ऐसे ही एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का निर्माण होता है, कॉर्डल रीजन से चालू होता है, और बार बार कोशिकाओं का विभाजन होता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है, और एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है, एक्टोडर्म जो होता है उससे एपिडर्मल ग्लैंड्स बनती हैं, फोरगट हाइंडगट बनती हैं, पिगमेंट सेल्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं, एमनियोटिक कैविटी का निर्माण होता है, और जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनते हैं गैस्ट्रुला के लार्वा के, वो भी हमने देखे, ये सब हैं एक्टोडर्म से, एपिडर्मिस, एपिडर्मल ग्लैंड, हेयर, कंजक्टिवा लेंस, रिटिना, इंटरनल ईयर, फोरगट, हाइंडगट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मिडिल एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल, मेड्यूला, पीनियल ग्लैंड, मेसोडर्म से मसल कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस ऑफ स्किन, बोन्स, कार्टिलेज, पेरिटोनियल लेयर, सीलोम, सर्कुलेटरी सिस्टम आदि का निर्माण होता है। एंडोडर्म से ब्लैडर, पेनक्रियाज, मिडगट, लंग्स, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थायमस, पिट्यूटरी, एंटीरियर, प्राइमरी जर्म सेल आदि का निर्माण होता है। देखिए इस तरह से ये है एक्टोडर्म, यह है मेसोडर्म, यह है एंडोडर्म। तो गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि वो गैस्ट्रुलेशन के मूवमेंट को अलग अलग कंपोनेंट के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेजता है,
जो शीट्स ऑफ सेल्स होती हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स करती हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है, और इस तरह से सम ऑफ द मूवमेंट्स जो होते हैं वो कोई खाली एपिथेलियल कोशिकाओं से किए गए ही होते हैं। ठीक है, वैस्कुलेशन का सिग्निफिकेंस है कि इसमें तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स का निर्माण हो जाता है, बाह्य चर्म, मध्य चर्म, अंडाशय चर्म का, और ये मॉर्फोजेनेटिक और डिजेनेसिस और डिफरेंशिएशन की प्रारंभ होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं ग्रेट मॉर्फोजेनेटिक एक्टिविटीज के कारण, और ब्लास्टोसील जो होती है वो बटकर आर्केंटरॉन का निर्माण कर देती हैं। तो अगर हम देखें तो गैस्ट्रुलेशन से सिमेट्री ब्रेकिंग होती है, जो जो सिमेट्रिकल था अंडा वो एसिमेट्रिकल हो जाता है, और अलग अलग जाता है, जर्म लेयर का डीलेमिनेशन हो जाता है। इस तरह से देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी थी, इनर सेमिनल ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स डिटैच होकर हाइपोब्लास्ट बन जाता है, एपिब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, उधर ऊपर एमनियोटिक कैविटी बन गई, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट है, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, प्राइमरी योक सैक, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इत्यादि का निर्माण हो जाता है। थैंक यू।